सुशांत सिंह राजपूत को दी गई आखिरी श्रद्धांजलि। पटना में हुआ प्रार्थना सभा का आयोजन। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को एक हफ्ते हो चुके हैं। बीते रविवार को उनके पटना स्थित घर पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्य, दोस्त और करीबी रिश्तेदार मौजूद रहे और सुशांत को श्रद्धांजलि दी। प्रार्थना सभा की कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसमें सुशांत की तस्वीरें नजर आ रही हैं। वहीं आसपास सफेद फूल लगे हुए हैं। वीडियो को देखकर लग रहा है कि कमरे की बाहर से लिया गया है। तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सुशांत के प्रशंसक बेहद भावुक हो गए हैं। सुशांत पटना के रहने वाले थे, वो पिछले साल ही अपने घर गए थे। उनकी माँ ने उनके मुंडन की मन्नत मांगी थी। घर पहुंचकर सुशांत ने सालों बाद अपनी माँ की मन्नत पूरी की थी। बता दें कि सुशांत की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बीते हफ्ते केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सुशांत के घर पहुंचे थे। रविशंकर ने सुशांत के घर पर उनके पिता के सिंह, बहन और बाकी घर वालों से मुलाकात की और उन्होंने संतावना दी। मुलाकात के बाद रविशंकर प्रसाद ने दो तस्वीरें भी शेयर की। पहली तस्वीर में वो सुशांत को श्रद्धांजलि देते हुए दिखे। जबकि दूसरी तस्वीर में वो सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह से बातचीत कर रहे थे। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई में अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस घटना के बाद हर कोई सन्न रह गया था कि कुछ लोगों ने सुशांत की मौत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ऐसे ही अपडेट्स और टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।